Good evening, friends. Mahu Burbangshu Chatterjee, Professor Harbals ke National Training Head. Friends, आज सुबह जो एग्रीकल्चर का प्रोग्राम हुआ था फेसबुक लाइव में जूम में, बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो हम लोगों ने फेसबुक में एक नोटिस दिया कि इवनिंग में भी आज हम लोग प्रोपेदा का जो नया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो प्रोपेदा ने लॉन्च किया हुआ है एग्रीकल्चर में उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि वी हैव तीन प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, जैसे प्रो शुद्ध, प्रो ग्रो और प्रो शक्ति। ये जो तीनों प्रोडक्ट है, ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। और दोस्तों तैयार हो जाइए इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। जितने लोगों ने फेसबुक लाइव में भी ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देख रहा है, मैं उन सभी लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ चीज़ नोट करना है तो नोट कर लीजिए और फेसबुक वीडियो भी बार बार देखिए कि उसमें आपको बहुत सारे जानकारी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेके हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रो शक्ति। इट्स अ आइडियल फ्रेंड फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ज्यादातर पेस्टिसाइड तो नहीं बोल सकते, ये क्रॉप प्रोटेक्टर है, ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में अभी मैं जानकारी दूंगा। सो पहला प्रोडक्ट है प्रो शक्ति। इंडिया में देखा जाता है कि नियरली 60% जो फार्मर्स होता है उन लोग इनकम करते हैं उसको री इन्वेस्ट किया जाता है। मीन्स वो अपने को कॉस्टली केमिकल खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है। मीन्स उनका जो प्रॉफिट होता है वो फिर अपनी खेती में ही चला जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होने से, मीन्स कीड़ा का अटैक होने से बहुत तरह का डिजीज होता है फिर। और जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, उनको बहुत ही कम इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है उसको फोर्स कर अपने आप जबरदस्ती करके कॉस्टली जो मेडिसिन होता है फार्मर्स पे भी करते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि हर साल जो समय जा रहा है केमिकल पेस्टिसाइड का यूज जमीन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये केमिकल पेस्टिसाइड फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए हानिकारक है, जमीन के लिए हानिकारक है और जो लोग खा रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो फार्मर्स से होता है ना, वो धीरे धीरे बहुत सारे बोझ के तले दब जाते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि आपको नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना, और प्रोविजा ने जो प्रो शक्ति अभी लेके आया आप लोगों के लिए, इट इज एब्सोल्युटली अ नेचुरल प्रोडक्ट है जो बहुत सारे क्रॉप्स में यूज किया जा सकता है। इसके अंदर में बहुत सारे स्ट्रेस एलिमेंट जैसे मिनरल्स, विटामिन इसके अंदर में है, और इसके अंदर में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है जो अपने जो क्रॉप्स होता है उस पेस्ट से और डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बैक्टीरिया नेचुरल सोर्स से आते हैं और उसको जमीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जमीन में आप पेस्टिसाइड यूज़ करोगे, जमीन के आप हर्बिसाइड यूज़ करोगे, केमिकल और फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये सब मर जाते हैं और जमीन के लिए बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। प्रो शक्ति बहुत ही वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, ये बैलेंस है, इसके अंदर में वेरियस स्ट्रेस एलिमेंट है, हर्ब्स है और बैक्टीरियल कल्चर है। ये जो प्रो शक्ति है ये मेटाबोलाइट्स होता है, नेचर से मिलता है। ये क्रॉप के अंदर में जो रूट कॉजेज होता है, डिजीज का जो रूट कॉज होता है, बीमारी का जो मूल जड़ होता है उसको निकालने में हेल्प करते हैं। दोस्तों सोचिए, जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, पर दोस्तों बीमारी के पहले हम लोग वेलनेस से अपने आप को अच्छा रखने का कोशिश करते हैं, अपने शरीर में बीमारी को घुसने नहीं देते। उसी तरीके से ये प्रो शक्ति जो प्रोडक्ट है अपने शरीर के अंदर में, पेड़ पौधे के शरीर के अंदर में उसी तरीके से बीमारी को, कीड़ा को उसने नहीं देता। ये बहुत अच्छे काम करते हैं, आपको
थ्रिप्स एक कीड़ा होता है, माइट्स होता है, वो भी एक तरह का कीड़ा होता है, शार्क पेस्ट होता है वो भी कीड़ा होता है, वाइट फ्लाई होता है, जैसे होता है, और बहुत सारे लार्वा और फंगल और वायरल डिजीज से आपका पेड़ को प्रोटेक्ट करते हैं। सो प्रो शक्ति जो है वो कोई पेस्टिसाइड, सबसे पहले मैं बता दूं पेस्टिसाइड नहीं है। हेवी मेटल्स वाला जो पेस्ट जो रेसिड्यू होता है वो अपने पेड़ पौधे से निकालते हैं। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट बिकते रहते हैं और अपने जो फार्मर्स होता है उनके इनकम को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। सो दोस्तों मान लीजिए आपका फार्मर्स का पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो जाए, प्रोशक्ति प्रयोग करने के बाद नेचुरली पेस्टिसाइड एंटी फंगल एंटीवायरल का यूज़ कम हो जाए, नेचुरली ये आपके लिए आपके फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गए। प्रोशक्ति एक ट्रू सेंस सचमुच के एक जो प्रोडक्ट है वो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को घुसने नहीं देता, मीन्स कीड़ा को घुसने नहीं देता है, पेड़ पौधे का जो डिजीज होता है उनसे इनको बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को पेड़ पौधे को बढ़ाते हैं। जो भी क्रॉप्स होता है, जो फसल होता है वो लॉन्ग टर्म अच्छे तरीके से आपको फल देते रहते हैं, फूल देते रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये सोच तैयार करना पड़ेगा कि भाई पेस्टिसाइड बाद में यूज़ करने से अच्छा है कि पहले से प्रिवेंशन करें। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी हम लोग ये प्रोशक्ति के माध्यम से ये प्रूव करेंगे कि पेड़ पौधे के लिए भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले प्रिवेंट करें तो बाद में कीटनाशक, बाद में एंटीवायरल एंटी फंगल देना आपको कम हो जाएगा और जिसमें आपको पेड़ पौधे के लिए और जमीन के लिए और आपके लिए भी एक बहुत फायदेमंद फसल आएगा, बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है, प्रोशक्ति का बेनिफिट क्या है? प्रोशक्ति ये पेड़ पौधों को शक्तिमान बनाते हैं, मीन्स बाहर से कीड़ा, बाहर से जो पेस्ट होता है, बाहर से जो बीमारी होता है ये घुस नहीं पाते। सबसे पहले ये जो प्लांट को, पेड़ पौधे को जो कीड़ा होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे कंट्रोल करता है फंगल डिजीज को, जो छत्राक जनित, छत्राक जो होता है फंगस होता है उससे जो बीमारी होता है उससे कंट्रोल करता है, और वायरस से भी पेड़ पौधे को छुटकारा देते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स प्लांट्स जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसका जो रूट कॉज होता है बीमारी का उसको बंद करते हैं, मीन्स उसको रोकथाम करते हैं, तो पहले ही बीमारी नहीं हो पाता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। प्रोशक्ति ऐसा एक प्रोडक्ट है जो नेचुरली पेड़ पौधे का जो क्वालिटी होता है, वो पेड़ पौधे से जो फसल मिलता है, जो फल मिलता है, उसके अंदर में उसको टॉक्सिन से, केमिकल से छुटकारा देते हैं, जो आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है, पेड़ पौधे के लिए भी अच्छा होता है, और ओवरऑल पेड़ पौधे का जो इम्यूनिटी होता है, जो बीमारी से लड़ने का जो ताकत होता है उसको बढ़ाते हैं और क्रॉप सिस्टम को डेवलप करते हैं। उसके बाद देखा जाए प्रो शक्ति का जो काम है, ओवरऑल ग्रोथ होता है पेड़ पौधे का, इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, फोलियज को मेंटेन करते हैं, कलर ऑफ जो फूल होता है, जो फल होता है उसका जो कलर होता है उसको मेंटेन करते हैं। कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है इस प्रोडक्ट में, मीन्स जो पेस्टिसाइड से जो हेल्थ हैजर्ड होते हैं उससे छुटकारा मिलता है, पॉल्यूशन से पॉल्यूशन नहीं होने देता है, ज़मीन के अंदर में पॉल्यूशन नहीं होने देता है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका से काम करते हैं और इकोनॉमिकल भी होता है दूसरा कोई प्रोडक्ट के साथ, पेस्टिसाइड के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो। तो आप देखिए कितने सारे बेनिफिट आप एक प्रोडक्ट के अंदर में मिल रहा है, जिसके कारण आपके ज़मीन में, आपके फसल में फ्यूचर में पेस्टिसाइड यूज़ करना धीरे धीरे कम हो जाएगा, ज़मीन का क्वालिटी अच्छा होगा और आपको जो फसल होगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा। इसको इस्तेमाल कैसे करें, बहुत आसान है, आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। 50 ml प्रो शक्ति जो होता है 15 लीटर का टैंकी में मिलाइए और इस मिक्स को प्रिपेयर करके आप उसको क्लोज कंडीशन में रख दीजिए, मीन्स आप रात को सोने के पहले 8 से 10 घंटा पहले आप इसको पंप में बना के रखिए, वो अच्छा से मिक्सअप हो जाएगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसको स्प्रे करिए, तो 10 घंटा इसको आप पानी में भिगो के रखिएगा, इसमें इसका एक्शन जो है बेटर होता है। आप मान लीजिए 10 पंप करेंगे तो एक बड़ा सा ड्रम में जहाँ 150 लीटर पानी आता है उसके अंदर में 500 ml प्रो शक्ति अच्छा से मिला के रख दीजिए रात भर, सुबह सुबह जब पंप टैंक आप उसको स्प्रे के अंदर में भर के ज़मीन में स्प्रे करवाइए, जिसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा।
यूज करने का पहले इसको बहुत अच्छे से धो लिए, मिला लीजिए अच्छे से, ड्राई कंडीशन में रखिए कि जहां सनलाइट से दूर है। जस्ट इसको आप पेड़ पौधे लगाने के बाद और थोड़ा बड़ा होने के बाद जस्ट दो बार स्प्रे कीजिए। उसके बाद तभी आप स्प्रे करेंगे जब पेस्ट अटैक होगा, उसके पहले आपको ज़रूरत नहीं है। दो बार एक वीक में पहली बार जो हेवी डिजीज, जहाँ जहाँ पेड़ पौधे में डिजीज बहुत ज़्यादा होता है, बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, उसके पहले इसको एक बार स्प्रे कर दीजिएगा। मीन्स कीड़ा अटैक करने का पहले इसको स्प्रे कर दीजिएगा, प्रिवेंशन, ये रोकथाम करेगा। आपको पहला दो एप्लीकेशन के बाद तब लगाइए, तब दीजिए जब जरूरत होगा, अदरवाइज इसको देने का जरूरत नहीं है। कैसे देंगे? ड्रिप मेथड में आप दे सकते हो, ड्रेंचिंग कर सकते हो, रूट के आसपास दे सकते हो, और स्प्रे मेथड में पेड़ पौधे पत्ते को अच्छे से गीला करके स्प्रे भी कर सकते हो। सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है प्रोशक्ति, जिनका फार्मर्स को खर्चा कम करना है, पेस्टिसाइड का, केमिकल पेस्टिसाइड का खर्चा कम करना है, उनके लिए प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो प्रोटेक्टर है, जो रोकथाम करते हैं आपका पेड़ को कीड़ा से, पेस्ट जो उसको बोलते हैं, कीड़ा से रोकथाम करते हैं, वाइन फंगस से रोकथाम करते हैं, वायरस से रोकथाम करते हैं। सो दोस्तों इट्स अ यूनिक थिंग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। प्रो शुद्ध को बोला जाता है सॉइल कंडीशनर, मिट्टी को ये और बेटर बनाते हैं, मिट्टी को अच्छा करते हैं, कि मिट्टी के अंदर में जो रेसिड्यू है, मिट्टी के अंदर में जो केमिकल्स है, उस चीज को साफ करके जमीन को फ्रेश तैयार करते हैं। तो दोस्तों प्रो शुद्ध के बारे में अभी बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये, तैयार हो जाइए, चाहे तो नोट कर लीजिए। प्रोशुद्ध एक यूनिक प्रोडक्ट है प्रोवेदा हर्बल्स के, तो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आज के दिन में देखिए जमीन में क्या होता है, कि जब भी आप जमीन में कोई पेड़ पौधे आप लगाते हो, तो जमीन का जो क्वालिटी है वो इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो जाता है, बार बार आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, और उसके अंदर में बहुत सारे पेस्ट आता है, जमीन का फसल सही नहीं होता है, जमीन का जो क्वालिटी होता है, फर्टिलिटी होता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, और उसके कारण बार बार एक्सटेंसिव यूज होता है, बहुत बार यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर, नॉर्मल पेस्टिसाइड, जो जमीन का जो क्वालिटी होता है, मिट्टी का जो क्वालिटी होता है, उसको डिग्रेड कर देता है, खराब कर देते हैं। ये आज के दिन में सिचुएशन है, आप सभी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। तो सॉइल को चाहिए, जो सॉल्यूशन है आज के दिन में इस कंडीशन में, सॉइल को चाहिए उसका जो पुराना न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका जो पोषक तत्व है, मिट्टी के अंदर में जो पोषक तत्व है, वो फिर वापस आए। उसके बाद एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो जमीन के अंदर में रहते हैं, जो जैसे केचुआ भी होता है, जो आर्थवर्म जिसको कहते हैं, ये जो चीज़ मिट्टी के अंदर में है, वो सही सलामत मिट्टी में वापस आए और जमीन का जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करे। उसके बाद आपको ये भी चाहिए कि आपका जो फसल हो रहा है, वो हर साल जो कम हो रहा है, उसको सही मात्रा में मिले, और जो खर्च बढ़ रहा है, आपको अच्छे फसल के लिए जितना आज के दिन में खर्च करना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है, कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कि मिट्टी का क्वालिटी इतना ख़राब हो गया जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, मिट्टी को बार बार आपको सिंचाई करवाते हैं, बार बार आपको केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, उस चीज़ को बेटर बनाया जाए कैसे। सो दोस्तों ये सोल्यूशन आपको चाहिए, सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? दोस्तों ये सोल्यूशन आपको मिलेगा प्रोवेदा का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोशुद्ध। प्रोशुद्ध जो है ये बहुत ही अच्छे रिसर्च करके बनाया गया, इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किया गया, इस फॉर्मुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको पता है कि जो विटामिन मिनरल्स होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इस प्रोडक्ट के अंदर में मिला के जमीन को और बेटर बनाते हैं। इसको ऑयल जो मिट्टी होता है, सॉइल जो होता है, उसको कंडीशनिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जमीन का जो फर्टिलिटी, उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसको मिलाया गया। उसके अंदर पोटाश जो होता है, मोबिलाइजर जो होता है,
उसके बाद सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो होता है, ये सब चीज़ को सही तरीके से मिश्रण करके मिट्टी में ये मिलाया गया कि मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, जमीन का जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो फिर वापस आई। और प्रोशुद्ध जो है एक बहुत बढ़िया ब्लेंड है डिजीज कंट्रोलिंग एलिमेंट से, जो रोकथाम करते हैं, बीमारी को रोक घुसने नहीं देता है, और उसके साथ साथ ये आपका शरीर मिट्टी जो होता है उसके अंदर में जो फर्टिलिटी होता है, जो उर्वरता होता है, जो फर्टिलिटी होता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोशुद्ध का काम है कि मिट्टी को बेटर बनाते हैं, आपका जमीन का जो क्वालिटी होता है उसको अच्छा तैयार करते हैं। आइए देखते हैं प्रोशुद्ध का बेनिफिट क्या है। प्रोशुद्ध का जो सबसे पहला बेनिफिट है, ये जमीन का फर्टिलिटी जो होता है उसको लेके आता है और उसको प्रोडक्टिव करते हैं, मीन्स अच्छा फसल निकालते हैं। जमीन के अंदर में जो मिट्टी के अंदर में जो ऑक्सीजन होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए, और पानी को जो होल्ड करने का कैपेसिटी होता है उस चीज को बढ़ाते हैं। नाउ दोस्तों, प्रोशुद्ध जो होता है ये पेड़ पौधे का रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। पीएच बैलेंस, पीएच बैलेंस का अर्थात होता है कि जमीन के अंदर में एसिड, अम्ल और क्षारियों का जो मात्रा होता है उसको मेंटेन करना। उसके बाद जमीन के अंदर में जो हार्मफुल पेस्ट होता है, सॉइल जो मिट्टी जो खराब होता है उसको सही तरीके से डेवलप करना, जो पेस्ट होता है उसको कम करना, मीन्स जो कीड़ा होता है उसको कम करना। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, दोस्तों ये पहले से भी मैं बता रहा हूँ कि जो इतने प्रोवेदा का प्रोडक्ट है उसका जो मेजर फोकस होता है, स्पेशली जो प्रोशुद्ध जैसा प्रोडक्ट का, कि पेड़ पौधे का इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने का ताकत बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं उसको, तो बहुत सारे वेरियस डिजीज से उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, कि ये यूरिया और डीएपी का अल्टरनेटिव बन सकता है। दोस्तों जमीन के अंदर में यूरिया और डीएपी डालते डालते जमीन का जो क्वालिटी है बहुत खराब हो जाता है, बार बार मिलाना पड़ता है फसल के लिए, बट यूरिया और डीएपी से इसका अल्टरनेटिव हो सकता है ऑर्गेनिक तरीका से। इसके बाद जो ये पेस्टिसाइड होता है, मेडिसिन होता है, इसका यूज धीरे धीरे कम हो जाएगा इस तरीके से यूज करने से। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो पेस्टिसाइड का यूज को भी कम करता है, मेडिसिन का यूज कम करता है, और इसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है जो इंसान के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, किसी के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोई हैवी मेटल्स इसके अंदर में नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं केमिकल्स नहीं है, और ये फॉर्मुलेशन जो है एब्सोल्युटली सेफ है। सो दोस्तों प्रोशुद्ध जो है इसका ट्रू सेंस, जो सही तरीके से इसको बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ये लाइफ ऑफ योर सॉइल, मीन्स आपके जमीन के लिए, आपके जमीन के मिट्टी के लिए ये जिंदगी दान करते हैं, ये नया एक जीवन दान करते हैं। तो ये है प्रोशुद्ध, इज अ यूनिक प्रोडक्ट आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों प्रोशुद्ध को इस्तेमाल कैसे करें, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान इस्तेमाल है, 500 ml प्रोशुद्ध जो होता है 150 लीटर पानी में मिलाना चाहिए, और जो 1 एकड़ जमीन में आप आराम से स्प्रे कर सकते हो जमीन के अंदर में। तो इसको मिलाने का जो तरीका है, 500 ml 150 लीटर पानी में ड्रम के अंदर में मिला के एक दिन पहले से बना के रखिएगा, कि इसका जो ऑर्गेनिक चीज़ है ये पानी के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। इसको अच्छा से मिला के रख दीजिएगा, और इसको उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होता है इसको सही तरीके से ड्रिप मेथड और ड्रेंचिंग मेथड में इसको स्प्रे करवाइए, और पानी के साथ इसको जमीन के अंदर में पेड़ पौधे में इसको छिड़का दीजिए, मिट्टी में छिड़का दीजिए ड्रिप तरीका से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं ड्रिप मेथड, ड्रेंचिंग मेथड जो होता है, हर जो फार्मर्स होता है उनको पता है, उस तरीका से इस्तेमाल करते हैं। तो नया तरीका से कुछ बोलने का जरूरत नहीं। तो ये हो गया अपना प्रोशुद्ध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्रोपेथा की तरफ से, और इसका जो यूजेस है ये बहुत आसान है और बेनिफिट बहुत सारे हैं। इनफैक्ट ये आपका डीएपी का और यूरिया का यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। तो मिट्टी को सॉइल कंडीशनिंग का काम करते हैं, मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें आपका फसल बहुत अच्छे होता है। नाउ दोस्तों जो तीसरा प्रोडक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तीसरा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोग्रो।
इतिहास को आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये जो बेसिकली प्रो है आज के दिन में क्यों इसको इस्तेमाल करें, सेम इशू है आपको पता ही है, क्योंकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसको बेटर बनाना है। और सॉइल को बेटर बनाने से क्या होता है कि आपके ज़मीन के अंदर में, आपके फसल के अंदर में, आप जो किसान भाई खेती करते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कीड़ा आ जाता है उसमें, वह इन्फेक्शन होता है, उससे ज़मीन जब अच्छा होता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पिछले 20 साल से ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़मीन के अंदर में केमिकल यूज़ किया जा रहा है और ज़मीन का क्वालिटी को डिग्रेड किया जा रहा है। तो आज का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन के अंदर में न्यूट्रिशन देना। तो जैसे अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर में ग्रो करे, अच्छे ज़मीन के अंदर में अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाए, मीन्स विटामिन मिनरल्स हो जाए, और ज़मीन का जो क्रॉप है, जो फसल होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करे, ये अपना लक्ष्य होता है। तो आइए देखते हैं प्रोग्रो किस तरीके से काम करता है। प्रोग्रो भी एक बहुत वेल रिसर्च फॉर्मुलेशन है जो ग्रैन्यूल फॉर्म में है, दानादार फॉर्म में है, और ये जमीन को बैलेंस करते हैं। जैसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो जमीन के अंदर में है उसको सही तरीके से डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जमीन के अंदर का विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, हर चीज़ जो जमीन से पेड़ पौधे लेते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन देते हैं जमीन के अंदर में, और जमीन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। जो जमीन में आपको फसल होता है, अराउंड 10-40% आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलता है। तो प्रोग्रोथ एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है, प्रोग्रोथ जो प्रोवेदा का एक वेल एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोडक्ट है, और ये आपके जमीन को बहुत अच्छे से यूज करवा सकते हैं। नाउ दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है? ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स है जो न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करते हैं। एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है, मीन्स परिवेश में जो नाइट्रोजन गैस होता है, वो जमीन के अंदर में मिलाने में हेल्प करते हैं। जमीन में फॉस्फोरस का मात्रा बढ़ाते हैं, पोटाशियम का मात्रा बढ़ाते हैं, और बहुत सारे सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्रॉप यील्ड्स जो होता है, फसल का जो बढ़ती होता है, वो करीब इस प्रोडक्ट को यूज करने से 10% से 40% मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 से 40% आपका फसल का इंक्रीज हो जाए, ये गारंटेड है। जिस रिसर्च टीम ने किया, उन्होंने इसको ट्राई करके देखा, गुजरात में, मध्य प्रदेश में इसको बहुत एक्सटेंसिव ट्रायल किया गया, और उन्होंने बताया कि अच्छी ग्रोथ हो रहा है फसल का। तो जमीन के अंदर में फसल 10% से 40% तक आपको जब ग्रोथ हो जाए पिछले साल से, तो नेचुरली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, खर्चा भी बहुत कम होगा। ये फ्लावरिंग को बढ़ाते हैं, फूल अच्छे होता है, सीड जो बीज होता है उसका ग्रोथ जो होता है वो अच्छे होता है, रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, जड़ जो होता है वो मजबूत बनाते हैं। फ्रूट मीन्स फल और फ्लावर का जो ड्रॉप होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सिशन, आप देखिएगा फूल और फल जो पेड़ से गिर जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और फोलिएज पत्ते को अच्छा करते हैं, पेड़ पौधे अच्छा ग्रो होता है, उसका टेक्सचर अच्छा होता है, देखने में अच्छा लगता है, और उसका जो कलर होता है, जो वेजिटेबल्स फूल का जो कलर होता है वो सही आता है। इसमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है वेजिटेबल क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, बड़े पेड़ में भी दे सकते हो, फ्लावर में, फसल में, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, स्ट्रेपल्स में, बहुत अच्छे जाएगा, में क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल काम करते हैं। और इसको बहुत अच्छे तरीके से काम होता है कि इसका कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं है, मीन्स इंसान के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर इसका कोई हैजर्ड नहीं है, बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है उन सभी लोगों के लिए, और कोई टॉक्सिसिटी इसके अंदर में नहीं है। सो दोस्तों, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है आपका प्रोग्रो। सो प्रो के बारे में बात किया, प्रोशुद्ध के बारे में बात किया, प्रोस्टेक्स के, प्रोशक्ति के बारे में बात किया। प्रोशक्ति बेसिकली जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जो पेस्ट होता है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। प्रो शुद्ध जो है वो सॉइल को कंडीशन करते हैं, सॉइल को बेटर बनाते हैं। और प्रो ग्रोथ के बारे में जब बात कर रहे हैं, जमीन को और
हाँ थोड़ा सा साउंड चला गया था दोस्तों, इसको मैं इसका यूज इस एप्लीकेशन में फिर बता रहा हूँ। 4 किलो जो होता है प्रो प्रो मिट्टी के साथ मिलाइए, मैन्योर के साथ मिलाइए, यूरिया के साथ मिलाइए, डीएपी के साथ मिलाइए, इसी के साथ आप मिला सकते हो, जमीन सॉइल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हो। ये याद रखिएगा कि जो ग्रैन्यूल्स है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, आप जिस चीज के साथ इसको देना चाहते हो ड्राई कंडीशन में रखिए, इसको सनलाइट से दूर रखिए, आंखों में लगने से अच्छा से धो डालिएगा, और इसको सॉयल एप्लीकेशन मेथड में मीन्स मिट्टी में जिस तरीके से एप्लीकेशन करते हो, जमीन को तैयार करने के लिए जिस तरीके से एप्लीकेशन करते हो उसी तरीके से इसको देना चाहिए। सो दोस्तों ये जो 3 प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, 3 प्रोडक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको जमीन को डेवलप करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। सो दोस्तों इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है प्रोविता वेयरहाउस में, आप इसके माध्यम से क्लोजिंग कर सकते हैं, ये बिलिंग भी करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है, कोई केमिकल इसके अंदर में नहीं है। कोई केमिकल इसके अंदर में नहीं है जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। सो दोस्तों इसको इस्तेमाल करना है, जैसे आप लोग प्रोवेदा का 3 प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया बहुत सक्सेस आपको मिला, यही प्रोडक्ट आपको और सक्सेस देंगे, जमीन का क्वालिटी को बेटर करेंगे, पेस्ट से कंट्रोल करेंगे, और आपका जो फसल है उसका एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देंगे। दोस्तों पूरा टीम को लेकर तैयार हो जाइए, पूरा टीम को लेकर तैयार हो जाए, कभी भी आपके टीम मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो जूम मीटिंग में मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और आपके टीम के साथ इसको लेके बैठते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा इंडिया में हर जगह में हम लोग इसको फैलते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जब ये फेसबुक लाइव चल रहा है नेचुरली इसमें मैं कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब सेपरेटली आप लोग आपके टीम के साथ जूम मीटिंग करेंगे तो मैं आप लोगों का जितने सारे क्वेश्चन है आंसर है उसका उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको पूरा पूरा सेटिस्फाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको जमीन में कितना बेनिफिट कर सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीबॉडी, अच्छा रहिए, बेटर क्लोजिंग कीजिए, बेटर बिजनेस कीजिए। Namaste everybody and thank you so much. Bye.